दोस्तों नमस्कार, आइए आज हम लोग बात करते हैं जीडीसी एससीआर 2018 का जो रीजनिंग का सवाल है उसके ऊपर। इसके पहले हम लोगों ने मैथ्स पे चर्चा कर ली लगभग सवाल की, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से रीजनिंग के सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71, जिसके पास भी पेपर हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भी तो फिर डाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, पेड्रो इज टॉलर देन शंभू। सबसे पहले तो परिचय दे दूं कि स्वागत है आपका अपने यूट्यूब क्लासेस सीएम झा एकेडमी में, सीएम झा एकेडमी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रिपरेशन को इतनी मजबूत करिए कि आप किसी से कम नहीं। आपका जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71, बिल्कुल ही आसान सा सवाल है और सिर्फ देखने में आपको लग रहा होगा कि ये देखो कैसा क्या पूछ दिया। तो इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए। पेड्रो इज टॉलर देन शंभू, ठीक है। सबसे पहले आप नाम लिख लीजिए पेड्रो, ये बड़ा है किससे, शंभू से। पेड्रो इज टॉलर देन शंभू, पेड्रो जो है उस शंभू से लंबा है। चेतन टॉलर देन अब्दुल, अब दूसरा नाम आ गया चेतन और अब्दुल, इसमें पेड्रो और शंभू का कोई रिलेशन नहीं है। चेतन अब्दुल, चेतन जो है अब्दुल से बड़ा है। अब आइए शॉर्टर देन बप्पा, लेकिन चेतन जो है बप्पा से छोटा है, यानी बप्पा इससे भी बड़ा हो जाएगा, होगा ना। चेतन टॉलर देन अब्दुल, चेतन टॉलर से बड़ा है और बप्पा से शॉर्टर, यानी बप्पा से छोटा है। शंभू शॉर्टर देन अब्दुल, शंभू जो है अब्दुल से छोटा है, तो शंभू अब्दुल से छोटा है, यानी शंभू यहां आ जाएगा, शंभू अब्दुल से छोटा है और अब्दुल ये दोनों से छोटा है, तो शंभू शंभू इससे छोटा हो गया। एंड अब्दुल इज टॉलर देन पेड्रो, और अब्दुल जो है पेड्रो से छोटा है, अब्दुल जो है पेड्रो से टॉलर देन पेड्रो, एंड अब्दुल इज टॉलर देन पेड्रो, अब्दुल पेड्रो से बड़ा है, शंभू अब्दुल से छोटा है, शंभू शॉर्टर देन अब्दुल और अब्दुल जो है पेड्रो से बड़ा है, मतलब पेड्रो कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। ये सब का रिलेशन हो गया। जैसा क्वेश्चन इसमें बोलेगा आपको सिर्फ क्लियर कट पढ़ना है और थोड़ा सा समझ लेना है। अभी एक बार फिर पढ़ देता हूं हिंदी वालों के लिए कि पेड्रो शंभू से लंबा है, पेड्रो शंभू से लंबा है पहला चीज था। दूसरा बोल रहा है चेतन अब्दुल से लंबा है, चेतन अब्दुल से लंबा है, बड़ा कर दिए। शॉर्टर देन बप्पा, लेकिन बप्पा से छोटा है, यानी बप्पा को चेतन के पहले कर दिए। शंभू शॉर्टर देन अब्दुल, शंभू अब्दुल से छोटा है, लेकिन अब्दुल बोल रहा है कि टॉलर देन पेड्रो, पेड्रो से लंबा है, यानी कि ये सीरीज बन गया बप्पा फिर चेतन फिर अब्दुल फिर पेड्रो फिर शंभू। फिर पूछ रहा है हु इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट इज द शंभू, शंभू इज द शॉर्टेस्ट। दोस्तों समझ गए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीएम झा एकेडमी में, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा सवाल दैट मींस क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए रो ऑफ बस स्टॉप ए इज द सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज द नाइन्थ फ्रॉम द राइट। क्वेश्चन समझिए, इस टाइप के बहुत सारे सवाल आते हैं स्कूल के आएंगे, बच्चों के आएंगे रो कॉलम के, और उसमें एक्चुअल पोजीशन निकालना पड़ता है बच्चों का। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए कि इन ए रो ऑफ बस स्टॉप ए इज सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज नाइन्थ फ्रॉम राइट। एक बस स्टॉप है, यहां से यहां आदमी है, ये हो गया आपका लेफ्ट और ये है आपका राइट, दायां और बायां, ये हो गया बायां दिशा, ये हो गया दायां दिशा। बोलता है ए का जो पोजीशन है सातवां है बायां से, बायां से एक दो तीन चार पांच छह सातवां, यहां पे ए है। और बी जो है नौवां है दायां से, बी जो है नौवां है दायां से। बोथ ऑफ देम इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब क्या किया, ए यहां पे आ गया और बी यहां पे आ गया, चेंज देयर पोजीशन, इंटरचेंज कर लिया।
एंड दस ए बिकम्स 11 फ्रॉम लेफ्ट। अब जो ए है यहां जो सातवां था अब यहां पे आके ये 11वां हो गया, तो सात के बाद क्या क्या आएगा, 8, 9, 10 फिर 11वां, यानी ए से यहां तक जो बी इधर से कितना था देखिए 9 और इधर से ये हो गया 11, यानी इसके पहले कितना है 10, तो इधर से 9 और इधर से 10, 10 नंबर इधर से और 9 तक इधर से 9 नंबर, समझ गए। फिर से पढ़िए, ए का पोजीशन बायां से सातवां और बी का पोजीशन दायां से 9वां। अभी क्या किया, दोनों अपना अपना जगह चेंज कर लिया, तो बोलता है ए का पोजीशन 11वां, यानी ये जो 9 था ये बाएं से 11 है, इसके पहले कितना है 10 और यहां से इधर कितना है 9, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 9 + 10 = 19 नंबर, यानी रो में जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितना होगा 19 होगा, समझ गए कि नहीं समझे। ये सब सवाल जब बनाने बैठिएगा आपका दिमाग बिल्कुल ही चाय पी के शांत रहना है, गुस्सा में मत रहिएगा, बहुत मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला एक सवाल और करते हैं, आइए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है कि पी प्लस क्यू मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। सबसे पहला जोड़िए, पी प्लस क्यू का मतलब है पी क्यू का भाई है पहला, दूसरा पी गुना क्यू पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी गुना क्यू का मतलब है पी क्यू का माँ है, तीसरा पी भागा क्यू पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी क्यू का बहन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज द अंकल ऑफ एस, बोल रहा है कि आर एस का अंकल होगा, निकालना है आर एस का अंकल होगा, तो आर अगर एस का अंकल होगा तो किसी का बेटा भाई बनाना है, यानी ये वाला रिलेशन चलेगा, माँ माँ मतलब पी क्यू का माँ है और आर एस का अंकल है, यानी आर को भाई बनाना पड़ेगा पी का, सिंपल सी बात, और एस को उसकी बहन बनाना पड़ेगा, तो बहन किसमें है या भाई बनाना पड़ेगा, तो प्लस और गुना ये दोनों के रिलेशन से लेके हम लोग निपट सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर आर जो है भाई कर दीजिए किसका, एस का, आर को भाई कर दीजिए एस का, तो आर को एस का अंकल करना है, तो एस का भाई नहीं कर सकते हैं, आर को भाई कर सकते हैं पी का, आर भाई है पी का, तो पी का अगर आर भाई है तो आर अंकल किसका होगा, पी का बच्चे का, तो पी का बच्चा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माँ का रिलेशन किससे, गुना से है, गुना किसका हो जाएगा एस का। अब आप इस रिलेशन को समझिए, पी गुने एस यानी पी एस का माँ है ना, पी क्यू की माँ है तो पी एस की माँ है, और आर प्लस पी यानी पी क्यू का भाई यानी कि आर पी का भाई है, तो पी का बच्चा है एस और आर पी का भाई है, तो ये दोनों के बीच क्या हो गया रिलेशन, अंकल, ये दोनों के बीच क्या हो गया माँ, तो माँ का भाई क्या होता है, बच्चे का अंकल होता है। तो इतना ही आसान है आपका रीजनिंग का सवाल, तो सिंपल सी बात है कि ये सब सारी चीज़ें जो रिश्ते नाते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि चाचा कौन है, भतीजा कौन है, अंकल कौन है, कजिन कौन है, फादर कौन है, ग्रैंड फादर कौन है, ग्रैंड मदर कौन है, ये रिश्ता आपको मालूम होना चाहिए, दादा दादी चाचा चाची मौसी नानी फूफा। अंग्रेजी में एक अंतर है कि जितना मौसा मामा चाचा जितना भी सब अंकल होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी एक टुक काम आ जाते हैं, ठीक ठीक है। तो इतना ही आसान सवाल आपके GDCE में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये रीजनिंग समझ में आया होगा। अगले दिन फिर मिलते हैं कुछ और, चलिए आपको शायद अच्छा लगा होगा, देखते हैं फिर आगे हम लोग सवाल इसी तरह से बनाते रहेंगे। आपका प्रेम बरकरार रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हाँ जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलिएगा।